तो ये रफ एंड मेराज का पहला क्वेश्चन, तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग DRDO MTS एग्जाम के लिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा बिना कन्फ्यूजन का। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती के रूप में भिन्न है। यह दिया गया है कि एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई इक्वल टू टू है, वाई इक्वल टू सिक्स के लिए एक्स का मान कितना होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि एक्स वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई गिवन दैट वाई इक्वल टू टू फॉर एक्स इक्वल टू वन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई इक्वल टू सिक्स विल बी। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई स्क्वायर का। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको पहले ही से हिंट्स दे रखा है कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो वैरी करेगा वाई स्क्वायर के वैल्यू पर, यानी मतलब क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक्स का वैल्यू अगर आपका बढ़ेगा तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्स का वैल्यू घटेगा। क्लियर? तो बस अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर वाई इक्वल टू टू है तो एक्स इक्वल टू वन है। अब बोल रहा है कि अगर एक्स का वैल्यू क्या होगा जब वाई का वैल्यू अगर सिक्स रहा तो अब इसको सॉल्व करो। तो एक्स अब यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर साइन को इक्वल टू में करेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट अपना लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो एक्स का वैल्यू वन तो वाई का वैल्यू टू, तो यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। के मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, याद रखिएगा के मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट है केवल। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो वाई का वैल्यू टू रखेंगे, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर निकल के आ जाएगा। ठीक है, दो का स्क्वायर चार और चार गुना एक फोर। अब आपसे क्वेश्चन बोला था एक्स का वैल्यू बताओ, तो एक्स का वैल्यू बताना है कब, जब वाई का वैल्यू सिक्स हो। तो के का वैल्यू मेरा पहले से आ चुका है चार। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, या फिर वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया चार आ गया, और वाई स्क्वायर मतलब छः का स्क्वायर 36 हो गया। सॉल्व कर लो, यानी क्या आ गया 1/9 आ गया एक्स का वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि एक पात्र में द्रव ए और बी 7 और 5 के अनुपात में है, जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर इसमें बी को भरा जाता है, तो ए और बी का अनुपात 7 और 9 हो जाता है, तो पात्र में प्रारंभ में कितना लीटर ए था, मतलब कितना लीटर द्रव ए था, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि कोई मान लो कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में दो टाइप के लिक्विड है यानी द्रव है, ए और बी, और ये 7 और 5 के अनुपात में है आपका। अब बोल रहा है कि इसमें से अगर हम 9 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, इसमें से जब 9 लीटर मिक्सचर निकालते हैं और उसके जगह पर बी लिक्विड को ऐड करते हैं इसी मिक्सचर में, तब जाके आपका जो मिक्सचर है वो आपका 7 और 9 के अनुपात में हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ पहले जो मिक्सचर में आपका जो भी मिक्सचर था, मतलब जो पहले जो भी आपका मिक्सचर था उसमें ए लिक्विड कितना था, यानी ए द्रव आपसे पूछ रहा है कि पहले आपका कितना था, प्रारंभिक में पहले कितना आपका ए लिक्विड था। क्लियर? बताओ उसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन को आप 2-3 तरीका से बना सकते हो, 2-3-4 तरीका से बना सकते हो, आपके ऊपर एक कि आप इसको किस तरीका से बनाना चाहते हो। आप इसको बेसिक से बना सकते हो, आप इसको रेशियो मेथड से बना सकते हो, अगर आप इसको एलिगेशन मेथड लगाना जानते हो तो एलिगेशन मेथड भी आप इसमें लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूंगा बेसिक, क्योंकि बेसिक आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपका एलिगेशन हर जगह कभी कभी काम नहीं करता, कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं, बट बेसिक आपका हर जगह काम करता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता दूंगा और रेशियो से भी बता दूंगा और एलिगेशन से भी बता दूंगा। ठीक है, और जिनको समझ आ चुका है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ पूरे मिक्सचर चैप्टर में केवल एक ही चीज़ आपको समझने का चीज़ होता है, क्या है, अब आप लोग समझ लो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई मिक्सचर है, मान लो अगर कोई इसमें एक कोई मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड है, दो लिक्विड से मिलकर एक आपका मिक्सचर बना है, अगर इस मिक्सचर में अगर आपका 2 और 3 के अनुपात में आपका लिक्विड है, अब आपसे बोला जाता है कि इस मिक्सचर में से अगर निकाला जाता है 10 लीटर मिक्सचर, तो याद रखिए हमेशा जब भी अगर 10 लीटर अगर आपका मिक्सचर निकल रहा है तो वो आपका उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में पहले से आपका उस मिक्सचर में दोनों लिक्विड होगा। तो यहाँ देख सकते हो अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है तो मतलब ये 10 लीटर में आपका 2 और 3 के अनुपात में ही वो आपका निकलेगा। तो मतलब आप समझ सकते हो 2 और 3 मतलब क्या हो जाएगा 5, यानी ये आपका ए लिक्विड 4 लीटर निकलेगा तो बी लिक्विड आपका 6 लीटर निकलेगा। बात समझ रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कभी भी बोला जाता है कि कुछ भी मिक्सचर निकाला जा रहा है तो याद रखिए
जिस भी अवस्था में, मतलब जो भी आपका पहले इनिशियल जिस भी रेशियो में आपका जो भी लिक्विड आपका रहेगा तो उसी रेशियो में आपका वो निकलेगा भी। यानी इस 10 लीटर में अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 2 और 3 के अनुपात में ही निकलेगा। क्लियर? बस ये चीज़ आपको यहाँ समझना था। और बात बाकी मिक्सचर में यही कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये चीज़ को आप समझोगे ना तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो 9 लीटर निकाला गया और 9 लीटर निकालने के बाद आपका उसके जगह पर बी लिक्विड को ऐड किया गया है। तो ध्यान से समझना, 9 लीटर में अब बात करेंगे कि दोनों लिक्विड था कितना कितना, दोनों लिक्विड कितना कितना था अब पहले ये देख लो। तो 9 लीटर में अगर मैं बात करेंगे तो लिक्विड ए कितना था, तो 7/12, इसको सॉल्व करो 3, 4, यानी 21/4 आपका ए लिक्विड होगा। तो बी लिक्विड कितना होगा उसको भी निकाल लो। ये सब मैं केवल स्टेप लिख रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ आए। तो बी लिक्विड कितना होगा, 3/4 यानी 15/4। यानी अब आपका बोल सकते हो कि 9 लीटर में 21/4 लीटर ए लिक्विड था और बी लिक्विड 15/4 लीटर, दोनों को जोड़ोगे तो 9 लीटर ही हो जाएगा। यहाँ से आपको केवल इतना समझना था कि आपका 9 लीटर निकाला गया तो 21/4 लीटर ए लिक्विड निकला है और बी आपका 15/4 लीटर निकला है। बस अब इसको हटाता हूँ मैं, अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा करो। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका लिक्विड था पूरा टोटल एक्स लीटर था। अब एक्स लीटर में आपका ए लिक्विड कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। इसमें से कितना निकला था, ये निकला था 21/4 लीटर निकला था। क्लियर? आपका बी लिक्विड की बात करेंगे तो बी लिक्विड टोटल में कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अब बी लिक्विड कितना निकल रहा था, तो 15/4 निकला था। अब 9 लीटर में से 21/4 यहाँ से निकला था और 15/4 यहाँ से निकला था। अब क्या बोला था क्वेश्चन में ही कि बी लिक्विड को ही आपका पूरा आपका रखा गया था, मतलब 9 लीटर आपका बी लिक्विड को ऐड किया गया था, तब जाके रेशियो क्या बन गया, 7 और 9 बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जब एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो टोटल आ जाएगा, तो फिर आप बता सकते हो कि उसमें ए लिक्विड कितना था। तो सॉल्व करोगे तो सिंपल सा, देखो ये सब केवल मैं दिखा रहा हूँ स्टेप, जब चीज़ें आप जब करने लगोगे तो कुछ भी आराम से हो जाएगा। 12/4 ऐसी दिख रहा कि 48 करके कट जाएगा आगे। तो आप सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी जो टोटल आपका लिक्विड था वो 36 लीटर था। अब 36 लीटर में वही पूछा है कि ए लिक्विड कितना था, तो ए लिक्विड कितना हो जाएगा, 7/5 = 12। तो 12 अगर 36 के बराबर होगा तो 1 रेशियो का वैल्यू 3 होगा, तो 7 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 21। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर? ये था बेसिक और जो मुझे लगता है अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड देखो सिंपल सा, रेशियो मेथड बहुत सिंपल है, मगर कब आप बना पाते, जब आप बेसिक समझते तभी रेशियो भी लगा पाते। यहाँ पर आपका 7 और 5 के अनुपात में है, बाद में 9 लीटर निकाला गया है मिक्सचर और फिर उसके जगह पर आपका रख दिया गया, तब कितना हो गया, ये 7 और 9 हो गया। तो देखो मिक्सचर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और आपको पता है बी ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा में क्या ऐड किया गया है, बी ऐड किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो चेंजेस आपको कितना का दिख रहा है, 4 का चेंजेस दिख रहा है, ए तो आपका इनिशियल उतना ही होगा। ठीक है, चेंजेस किस में देखा गया है, बी में देखा गया है, क्योंकि बी को ऐड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बी को ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हो यानी ये 4 किसके बराबर होगा, 9 लीटर के बराबर होगा। तो 4 रेशियो का वैल्यू अगर 9 के बराबर है तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा इनिशियल, यानी ये मेरा कितना है, 7 और 9 कितना हो गया, 16 रेशियो हो गया। तो 16 रेशियो का वैल्यू निकाल लो, तो 4 से कट गया, 9 × 36, यानी ये टोटल कितने हो गए, 36 लीटर आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपसे वही पूछा था कि ए कितना है, तो बस 21। तो बताओ समझ गए कि नहीं समझे, तो बस ये चीज़ आप कब समझते, जब आप वहाँ से सब कुछ समझे हो तभी तो यहाँ पर बना पाओगे ना। क्लियर? अब एलिगेशन की बात करेंगे तो जल्दी से मैं एलिगेशन भी मेथड बता देता हूँ। देखो एलिगेशन मेथड में याद रखिएगा, एलिगेशन मेथड में आपको लगाना है तो यहाँ पर अगर बी को ऐड किया गया है तो हमेशा बी का ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा, 5/12 इनिशियल में। अब बी को ऐड किया गया तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, 5/12। आप इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो, बट ये परसेंटेज में करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फ्रैक्शन में कर लो आसानी से बन जाएगा। ये 1 हो गया, क्या ये ऐड, ये वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं वो। अब आपका कितना हो जाता है, 7/9 हो जाता है, यानी बी का मात्रा कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। अब आप एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाओगे तो याद रखना ये वाला जो वैल्यू आएगा वो ऐड वाला आएगा, यानी ये 9 लीटर के बराबर होगा रेशियो, और ये वाला क्या होगा, ये मेरा रिमेनिंग जो बचा हुआ होगा वो उसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप टोटल निकाल लोगे, ये जो भी ऐड आएगा ना, मान लो ये आपका 1 रेशियो आ रहा है, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा,
आप इसको सॉल्व करना, मैं बता भी देता हूँ, ये 3 और 1 आएगा। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 9 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि यही 1 लीटर, आप 9 लीटर आपने ऐड किया था, तो यही 1:9 के बराबर होगा। तो ये 1:9 और ये रिमेनिंग है यानी बचे 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? 27, यानी 27 और 9, क्योंकि टोटल है ना 27 और 9 36, तो यहाँ से भी 36 आ गया। चीज़ आपके ऊपर है कि आप किस तरीक़े से समझते हो। चलो मैंने आपको तीनों तरीका है बता दिया, हालांकि रेशियो में एक और तरीका है आपका। चलो नेक्स्ट, फिलहाल एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट्राई करो जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को तभी बनाना, ऐसे नहीं कि जल्दी से पेन उठा के बनाने लगो। क्वेश्चन को देखो, थोड़ा समझो क्या है नहीं है। यहाँ पर देखो सारा कुछ आपको एक ही टर्म दिख रहा होगा, केवल प्लस माइनस का फर्क दिख रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये चीज़ को, ये 7 माइनस 4 √3, ये 7 प्लस √4, मतलब 7 प्लस 4 √3 है, ये ए माइनस बी के फॉर्म में मुझे दिख गया। तो आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, और हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 √3 का स्क्वायर कितना होता है 48, तो ये दोनों बन के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब बस अब आगे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 √3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो मैं केवल स्टेप लिख रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ आए। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस 2ab और माइनस 2ab तो खत्म हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा आपका 2a² और आपका 2b², समझ रहे हो, 2a² और 2b², तो 2a² का मतलब आप क्या बोल सकते हो, दो मतलब आपका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और साथ में 48 का भी 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, ये 96 हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 9 2 18 और 98 हो गया, तो 98 और 96 को जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 194 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा इसको जल्दी से ट्राई करो। एक लड़का 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाजार जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, यदि उसे आने और जाने में कुल 5 घंटे लगते हैं तो कुल मतलब कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करो, बताओ। तो देखो सिंपल सा है, जा रहा है आ रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, तो आपसे डिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि नहीं पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, जानते हो ना, आपके पास टाइम है, आपके पास स्पीड भी है, तो डिस्टेंस निकाल लो, क्या तकलीफ है। तो आपके पास टाइम हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। देखो बड़ी बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से भी कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब यही सब क्वेश्चन में लोग खोजते हैं कि ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से क्या करोगे, जब बेसिक से ही इतना आसानी से बना लोगे तो ट्रिक का क्या करोगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो चलो डिस्टेंस मान लो एक्स है, पहले क्या स्पीड से जा रहा था, पहले आपका जा रहा था 16 से, फिर एक्स बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया ये 5 घंटा। बोलो कुछ करने का था, सब कुछ आपके सामने है, एक्स बाई 16 प्लस एक्स बाई 5 इक्वल टू ये टोटल टाइम लगा 5। अब तो आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बस निकाल लो। तो यहाँ पर 16 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी आपका 21, मैं इसको इस जगह पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 21x और ये 80 वहाँ चला जाएगा, यानी 80 और 5 कितना हो जाएगा 400, यानी 21x इक्वल टू 400, यानी इसका आंसर बात करेंगे तो 400/21, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो जल्दी से। राहुल गरिमा और राधिका ने 26,000 रुपये में एक कार्य करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया लिया। राहुल और गरिमा को मिलकर 7/13 कार्य किया, मतलब कार्य किया, और राधिका का शेयर क्या है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि राहुल गरिमा और राधिका ने 26,000 रुपये में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, राहुल और गरिमा ने मिलकर 7/13 कार्य किया, तो आपसे बोल रहा है कि राधिका का शेयर बताओ क्या होगा, राधिका का शेयर पूछ रहा है। तो देखो पहले सबसे पहले तो टोटल कार्य आपका 7/13 में से राहुल और गरिमा मिलकर 7/13 कर रहा, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, ये नीचे वाला टोटल वर्क हो गया, तो टोटल में से 7 काम 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बचे काम कौन करेंगे, यानी 6/13 काम कौन करेंगे, तो वो आपका क्या नाम है, राधिका करेगी। तो आपको पता है जो भी जिस हिसाब से काम करता है उसको भी उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो अब आप समझ सकते हो ये 2600 का अगर मैं बात करूँ, 26,000 है ना,
26,000 रुपये है, तो इसमें से आपसे पूछा था राधिका का शेयर, यानी 6 और 7 के अनुपात में ही पैसे मिलेंगे, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 13, क्लियर। तो 13 से काटेंगे 2 बार में, यानी 6 2 12, यानी 12,000 रुपये मिलेगा राधिका को, क्लियर। उम्मीद करता समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है कि रूबी टीम और हैरी के प्रतिदिन के औसत आय 160 रुपये है। यदि टीम हैरी का प्रतिदिन 20 रुपये अधिक कमाता है और रूबी का आय हैरी के प्रतिदिन के आय से 3 गुनी है, तो रूबी का प्रतिदिन आय ज्ञात करें। बताओ, औसत का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर वैल्यू सब। बताओ, क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि रूबी टीम और हैरी का प्रतिदिन का औसत आय कितना है, 160 रुपये है। औसत आय 3 लोगों का 160 रुपये है, तो यानी टोटल का सम कितना हो जाएगा, 160 गुना 3 हो जाएगा, क्लियर। अब चलो, ये हो गया रूबी, ये टी फॉर टीम और ये एच फॉर हैरी। अब क्वेश्चन में जैसा बोला था बस वैसा करो, ठीक है। देख लो कौन किसके ऊपर डिपेंड है। टीम हैरी से प्रतिदिन 20 रुपये अधिक कमाता है, यदि टीम हैरी से प्रतिदिन 20 रुपये अधिक कमाता है, यानी टीम के बारे बोला जा रहा है हैरी से अधिक कमाता है, यानी हैरी का ऊपर डिपेंड है टीम। आगे पढ़ो, और रूबी का आय हैरी का प्रतिदिन आय का 3 गुनी है। अब देखो, यानी हैरी का ऊपर सब कोई डिपेंड है, यानी अगर मैं हैरी का अगर एक्स मान लूँ, समझना, हैरी का अगर मैं एक्स मान लूँ, तो क्या बोला था, रूबी का आय हैरी के प्रतिदिन आय का 3 गुनी है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो टीम है हैरी से प्रतिदिन 20 रुपये अधिक कमाता है, यानी हैरी से प्रतिदिन 20 रुपये अधिक कमाता है, यानी x प्लस 20 हो गया, क्लियर। बस हो तो गया खत्म, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, सभी लोगों का पता चल गया। तो ये किसके बराबर होगा, 480 के बराबर होगा। सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5x हो गया, 5x और ये 460 हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 5 45 और 2 92 आ गया। तो आपसे किसका पूछा था, रूबी का पूछा था, यानी 3x का वैल्यू पूछा था। तो 92 into 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 27, 276, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। ये सब क्वेश्चन में डिपेंडेंट है, जैसा बोलता बस वैसा करो, और कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, 4 बच्चे अलग गति के साथ एक गोलाकार मैदान में साइकिल चलाते हैं, वे क्रमशः 4 6 8 और 14 मिनट के एक लैम्प पोस्ट पार करते हैं, वे लैम्प पोस्ट से सुबह 10 बजे एक साथ साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो लैम्प पोस्ट पर वो किस समय फिर से मिलेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपको पता होगा इस टाइप के बहुत फॉर्मेशन होते हैं कि कोई भी बेल रिंग, कोई भी स्कूल का घंटी अगर 3 3 सेकेंड या 5 5 सेकेंड के अंतराल पर बज रहा है, तो एक समय फिर कब बजेगा। तो इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, तो केवल हम लोग जानते हैं एलसीएम लेना है, 4 6 8 14, ये इसी अंतराल में, मतलब इसी आपका इसी समय में आपका वॉल्यूम आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वह क्रमशः 4 6 8 14 मिनट में एक लैप पोस्ट को पार करते हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर वॉल्यूम एक साथ 10 बजे जब शुरू किया था, तो बताओ दोबारा से फिर कब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, 4 6 8 और ये 14, तो तीनों का एलसीएम निकाल दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ले लो वैसे भी, या फिर जैसे भी करो, 3 4 7, और कुछ है क्या, तो ये तो 4 का 4 बना देगा, 4 हटा दो 4 2 8 हो गया, और 8 और 21, यानी क्या हो गया, 21 गुना 8 और 162 हो गया, ठीक है, 168 हो गया। 168 आपका मिनट बाद आपका मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, 168 मिनट बाद वो मिलेगा। तो 168 मिनट मतलब आप समझ सकते हो 120 मिनट हो गया, साथ में आपका 48 मिनट हो गया, 120 मिनट मतलब 2 घंटा, यानी 10 बजे अगर वो लोग मिला था, तो पहले कितना मिनट बाद मिलेगा, तो 168 मिनट बाद, यानी आप बोल सकते हो 10 बजे और फिर 168 मिनट ऐड कर दो, तो या फिर आप समझ सकते हो 2 घंटा 48 मिनट, यानी 10 बजे के बाद कितना हो जाएगा, 12 बज के 48 मिनट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। और देखो ये पीएम हो गया, ठीक है, आपको पता है 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है। चलिए ये सब चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको एएम पीएम का भी कंफ्यूज करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, केवल क्वेश्चन का लेंथ में मत जाओ, क्वेश्चन आपको केवल पढ़ना है और समझना है, बाद बाकी बनाना है। यहाँ पर क्या बोला, सचिन और गांगुली का औसत आयु 35 वर्ष है, यदि सचिन का स्थान पर कैफ आता है तो औसत 32 वर्ष हो जाता है, यदि गांगुली की जगह कैफ आता है तो औसत 38 वर्ष हो जाता है, यदि धोनी और इरफान का औसत आयु सचिन गांगुली और कैफ की औसत आयु का आधी है, तो सभी 5 व्यक्तियों का औसत आयु बताओ।
देखो क्वेश्चन को केवल घुमाया गया और कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि सचिन और गांगुली का औसत आयु कितना है? 35 है। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सचिन और ये हो गया सचिन और ये गांगुली, जी फॉर गांगुली। औसत जो दे रखा है 35, तो मैं इसका सम लिख दे रहा हूँ, 70 हो गए। बोल रहा है कि अगर कैफ आता है तो औसत 32 हो जाता है, बट किसको रिप्लेस कर रहा है? सचिन को रिप्लेस कर रहा है, तो यानी के प्लस जी हो जाएगा, ये 32 हो गया, मतलब ये 64 हो गया। फिर आपका बोल रहा है कि अगर गांगुली को, मतलब गांगुली को हटा रहा है, तो गांगुली को हटाएगा तो मतलब फिर ये सचिन के साथ आपका बता रहा है कि ये 38 वर्ष हो रहा है, तो यानी ये 76 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, एस प्लस जी 70, के प्लस जी 64, के प्लस एस 76, ये अभी तीन क्रिकेटर की केवल बात हो रही। तो आप ध्यान से देखोगे तो सभी लोगों का डबल डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अगर सबको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 70 और 64 और 76 कितना हो जाएगा? 7 7 6 4 10 और 7 4 14, 14 7 14 21, 210 हो जाएगा। तीनों लोगों का, मतलब तीनों लोगों का डबल डबल बार आ रहा। ध्यान से देखो, एस भी डबल बार है, जी भी डबल बार है, के भी डबल बार है, यानी 2 से ख़त्म कर दो, यानी 105 इन तीनों लोगों का सम होगा। तो तीनों लोगों का जब सम अगर 105 होगा तो औसत कितना होगा? 35 होगा। यानी अब आपको पता चल गया कि तीन लोग जो सचिन गांगुली और आपका क्या नाम था, सचिन गांगुली और क्या नाम था, सचिन गांगुली और कैफ, इन तीनों का जो औसत है वो क्या है? 35 है। क्लियर? बस यहाँ से आपको यही चीज़ समझना था। अब क्वेश्चन में आगे आपको क्या ट्विस्ट दिया, बोला है कि यदि धोनी और इरफान का औसत आयु सचिन गांगुली और कैफ के औसत आयु का आधा है। तो देखो, ये हो गया इरफान, ये हो गया धोनी, इसका औसत आयु मतलब 2 से भाग देंगे क्या है, उन लोगों का औसत आयु का आधा है, मतलब ये सचिन गांगुली और कैफ का औसत आयु का आधा है, यानी उसका औसत आयु कितना था? 35 था कि नहीं था? तो 35/2 इसी का आधा है, तो इक्वल टू का साइन का मतलब समझ आ रहा ना, यानी दोनों जगह बराबर हो गया। अब आप देख सकते हो, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपको पता चल गया कि इरफान और धोनी का जो एज होगा वो मिला के 35 होगा। अब आपको पता चल गया, यहाँ से 2 लोगों का और वहाँ से आपका 3 लोगों का, 105, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 140। तो 140 टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो 28। क्लियर? देखो समझा रहा हूँ केवल, ये सब करना एकदम भी नहीं है, आपको डायरेक्ट बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में व्यय का बचत का व्यय के बचत से अनुपात 5 और 3 है, लेकिन उनके व्यय में 60% और आय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 3500 रुपये की कमी आती है, तो परिवार की बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से। तो देखो, कोई फैमिली का व्यय का व्यय, मतलब कोई फैमिली का व्यय का बचत से अनुपात आपको दे रखा है, मतलब आप समझो, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है एक्सपेंस का और सेविंग का। तो ये हो गया एक्सपेंस, जो खर्च कर रहे हो, प्लस सेविंग। मुझे बताओ ये टोटल क्या होता है, किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर होगा कि नहीं होगा? कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, यही तो मिलके आपका क्या बनता है? इनकम बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बस ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए तो बस हो तो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये एक्सपेंस और ये सेविंग का 5 और 3 दे रखा है, तो आप इनकम बता सकते हो कि क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर बोल रहा है कि अगर 60% बढ़ जाता है, तो ध्यान से समझना, एक्सपेंस अगर 60% बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है, देखो ये 5 रेशियो है, 5 रेशियो का 60% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सिंपल सा वैल्यू भी तो है। फिर बोल रहा है कि आपका एक्सपेंस 60% इंक्रीज करता है और इनकम आपका इंक्रीज करता है 25% केवल। इनकम 25% इंक्रीज कर रहा है, तो ये 8 का 25% कितना होगा? 10 हो जाएगा, यानी 2 होगा 25%, तो 2 टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये, यानी अब आप देख सकते हो, ये टोटल आपका इनकम हो गया, तो ये हो गया एक्सपेंस, तो सेविंग कितना होगा? 2 ही होगा, तभी तो मिला के 10 होगा ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन बोला बस मैंने वैसा कर रखा है। अब बोल रहा है कि क्या होता है इसके कारण, अब बोलता है कि जब ऐसा होता है तो फिर बोलता है कि बचत में 3500 रुपये का कमी आता है। जब इस तरीका से आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है और इनकम आपका बढ़ रहा है, तब जाके पता चलता है कि बचत में 3500 रुपये का कमी आ रहा है। तो देख सकते हो, ये सेविंग पहले 3 रेशियो हो रहा था, अब आपका 2 रेशियो हो रहा है, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 3500 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इंक्रीज इनकम ऑफ द फैमिली, यानी इस 10 रेशियो का वैल्यू पूछा है, क्योंकि यही आपका बढ़ा हुआ इनकम है।
तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 3500 है तो 10 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 35,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 8% का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 42.48 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा, अब आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। और आपको पता है मैं फार्मूला का बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते आए होंगे तो। यहाँ पर हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज 2 सालों का कितना हो जाएगा, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16% हो जाएगा। अगर वही बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का तो 2 सालों में कितना हो जाएगा, तो 16.64% हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस दिख रहा है, तो 0.64% का डिफरेंस दिख रहा है। और ये कितने के बराबर है, तो ये आपका 42.48 पैसे के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछ रहा, प्रिंसिपल यानी सम पूछ रहा है। तो बस ये आपको दे रखा है, तो बस आप 100% का वैल्यू निकाल लो। तो 0.64% का वैल्यू अगर इतना है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% का वैल्यू इतना आ गया। तो 100% का वैल्यू अब इसको निकाल कर सॉल्व कर लो, तो काटेंगे 16 बार में 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 16 चौके 64 हो चुका है यहाँ पास, यहाँ से काटेंगे तो 16 दो 32 हो जाएगा। मैं इसको हटा के यहाँ से काटता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 42.48 हो जाएगा, और नीचे में आपका 64 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। तो 16 से 4 बार में काटेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 दो 32, ठीक है। 10 कैरी 104, 16 छः 96, 8 और 8, तो 16 पचे 80 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 8 कैरी हो गया तो पॉइंट लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 है तो फिर से 80, मतलब ये 5 बार में फिर से कटेगा, 4 से काट देंगे 25 बार में, यानी 25 को गुना कर लो 265.5 में, तो क्या जब इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 6,637.5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब आप लोग कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल है पहली दफ़ा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस करते रहो जितना हो सके प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ में अभी तक आप लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम में या फिर फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, तो ज़रूर से ज्वाइन करो। कुछ भी अगर क्वेरीज होता तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।